1999 में कुतुब कॉलोनी साउथ दिल्ली का डिजाइनर हब हुआ करता था। कई सारे कैफेज और रेस्टोरेंट इस इलाके में मौजूद थे, लेकिन 29 अप्रैल 1999 की रात एक ऐसी घटना घटी जिसने इस पूरे इलाके को दोबारा खंडर में तब्दील कर दिया। ये कहानी है जेसिका लाल मर्डर केस की। जो हादसा हुआ उसके बाद जब वो जेल में गया तो मुझे लगता है एक नया मनु पैदा हुआ। जिसने जेल को जाते ही तुरंत अपना लिया, उसने जेल को समझने की कोशिश की, उसने जेल को अपनी ज़िंदगी का क्लासरूम बना लिया। वो ये समझ गया जेल के अंदर उसे क्या करना है। उसे जेल के इनमेट्स के बच्चों को मदद करनी, जेल में कुछ लोगों को पढ़ने लिखने में मदद करनी है और जेल के रेस्टोरेंट का एक मजबूत हाथ बनना है, तिहाड़ के ब्रांड को मजबूत करने का काम करना है। मतलब ये कि मन्नू को ये बात तो समझ में आ गई थी बहुत जल्दी कि जेल में उसे अब लंबा रहना है। अब उस लंबे रहने को सही समय में कैसे उपयोग किया जाए, इसका क्रेडिट मैं मन्नू को 100% देती हूँ। मन्नू ये समझ गया ये इनमेट पॉपुलेशन उसकी PR कर सकती है, और वो ये भी समझ गया जो जेल स्टाफ है और जेल अधिकारी हैं ये भी उसके एकदम सही PRO हो सकते हैं। और यही हुआ। जेसिका को एज ए विक्टिम महसूस कर सकती हूँ और मन्नू को एज ए रिफॉर्मर महसूस कर सकती हूँ, और उसमें ज़्यादा पेन मुझे, इन दोनों से ज़्यादा पेन मुझे उनके परिवार को लेकर होती है, क्योंकि दोनों परिवारों का इस केस में कोई कसूर नहीं था।